आवाज की दुनिया की दोस्तों मधुश्रावणी, ऐसा क्यों कहती है? आप क्या कोई दूसरे लोग हैं? आप भी तो मेरे ही कुल खानदान की हैं। सोचा कि भोर में तालाब पर तो भेंट हो ही जाएगी, पद्मश्री तो इससे घबरा गई। अचानक इनके स्वर में सहानुभूति कहाँ से आ गई? ये ममता का स्रोत कहाँ से उमड़ पड़ा? ये सब तो इनके स्वभाव के एकदम उलट है। पद्मश्री विस्मय से उनका मुंह देखने लगी। सीतादाई ने पूछा, हे पद्मश्री, कन्यादान करने का विचार नहीं है क्या? पहले 10 वर्ष में विवाह हो जाता था, आज तो जब तक लड़की नाक तक नहीं पहुंचती है तब तक कोई फिक्र ही नहीं रहती है। पद्मश्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, तो क्या करें हे दीदी, जब तक अच्छा घर वर नहीं मिलेगा तब तक कहाँ और कैसे फेंक दूँ। दूसरे दिन पद्मश्री के इस उत्तर पर सीतादाई गुस्से से आग हो जाती, लेकिन आज वह कोमल स्वर में रोष दिखाती हुई बोली, ऐसा क्यों कहती हैं आप? कोई आपकी ही बेटी बेटी है, दूसरे किसी की बेटी है कि नहीं? इतने लोगों ने बेटी का विवाह दान किया है वह फेंक दिया है क्या? कौन आप 10,000 गिनेगी जो इतनी बेइज्जती करती है? कैसी कैसी लाडली बेटी को देखा है? पद्मश्री इसका क्या उत्तर देती? वह बोली, वह तो ठीक ही है, मैं कहाँ से रुपये दूंगी, फिर भी माँ होकर कैसे फेंक दूँ? आप तो फिर वही बात बोल रही है। सीतादाई डांटते हुए बोली, फेंकने लिए कौन कह रहा है? बेटी को हमेशा अपने पास रखिएगा, वह भी तो नहीं होगा, बेटी का तो जन्म ही उसी के लिए होता है। पद्मश्री ने गर्दन हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया। सीतादाई फिर बोली, आप लोग कितने ऊंचे वंश के हैं, ये भूल गए हैं क्या? हमारे खानदान की प्रतिष्ठा बढ़े इसलिए आप लोगों को इस गांव में लाया गया था। इतने दिनों तक कोई बेटी को कुंवारा रखता है? पद्मश्री फिर दयनीय होकर बोली, मुझे आप क्या करने को कह रही हैं? और फिर लड़का कौन ढूंढेगा, अपना कौन है जिसे कहूँ? ये सुनते ही जैसे सीतादाई को कोई बड़ा अवसर मिल गया होगा, बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, ऐसा क्यों कहती हैं आप? गांव में इतने लोग किस लिए हैं? आप भले ही लोगों को पराया समझिए, लेकिन नलिनी को सभी अपनी बेटी मानते हैं। आपने किसी से आज तक कुछ कहा है? तब तक तिरुपति की माँ उठकर नहाने चली गई। सीतादाई पद्मश्री के और नज़दीक आकर बोली, बेटी को जहाँ पेट भरन मिले, 2 टुकड़ा वस्त्र मिले, वहीं आनंद से रहेगी। सभी के जमाई राजा महाराजा थोड़े होते हैं। पद्मश्री चुपचाप सीतादाई का मुंह देखती रही। सीतादाई पद्मश्री के कान के पास जाकर बोली, भैरव भाई की नज़र में एक रिश्ता है, वह वर की उम्र 30 के आसपास है, पिछले वर्ष पत्नी मर गई, धन संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो लड़की उस घर में जाएगी उसका भाग्य ही समझिए। मुझे उन्होंने जब कहा तभी मैंने सोचा कि ये रिश्ता नलिनी के लायक होगा। तब बात यह है कि ये कार्य जितनी जल्दी हो जाए वह अच्छा रहेगा। वह क्यों? पद्मश्री ने हैरानी जताई। कब कौन रिश्ता मोड़ देगा, उसका क्या ठिकाना? सीतादाई गंभीर होते हुए बोली, दूसरी बात यह है कि नलिनी ज़्यादा समय कमल के साथ रहती है, ये अच्छी बात नहीं है। लोग कमल को लेकर अनेक तरह की बात करते रहते हैं, कमल उसे बहन की तरह चाहता है। आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? आप ऐसी ही आंख बंद किए रहिएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, 10 लोगों के मुंह को कौन बंद करेगा? इसलिए मेरे विचार से ये कार्य जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। मैं भैरव भाई को बोल दूंगी कि इस बारे में बात आगे बढ़ाए, लेकिन अपमान का ये छोटा अंकुर कुछ ही देर में विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया और उसकी डाली पत्ते पद्मश्री के पूरे मस्तिष्क में फैल गए।
ये सब सुनते सुनते उनकी धैर्य की सीमा टूट गई। वहाँ से उड़ती हुई बोली, क्या करेगी नलिनी, भाग्य की इतनी धनी नहीं है। न जाने सीताराई और क्या क्या उपदेश देने जा रही थी, लेकिन उन्हें चुप हो जाना पड़ा। ओ तब तक पूरब की स्त्री पर सूर्य की लालिमा चमक उठी थी। पद्मश्री जल्दी से नहाकर घर की तरफ चल पड़ी। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री आवाज़ की दुनिया के दोस्तों।